सो गाइस प्रो कबड्डी सीजन 8 के ऑक्शन को बस यहाँ पे 2 दिन से भी कम का समय है एंड यहाँ पे इस रूम में आपको प्रो कबड्डी सीजन 8 के सभी टीम्स के टारगेट प्लेयर्स के बारे में बताने वाला हूँ, यानी कि आखिर कौन सी टीम कौन से प्लेयर को टारगेट करने वाली है वो ही मैं आपको इस रूम में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो होने वाला बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। तो गाइस बिना देरी किए एक और नई वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको रीजन नहीं बताऊँ कि आखिर कौन सी टीम किस लिए यहाँ पे इस प्लेयर को यहाँ पे टारगेट करने वाली, यहाँ पे मैं सिर्फ प्लेयर्स के नाम मेंशन करने वाला हूँ। अगर मैं सभी प्लेयर्स के यहाँ पे रीजन बताऊँगा तो गाइस यहाँ पे वीडियो है बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाने वाला है। तो गाइस यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले टीम की, तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं यू मुंबा के बारे में। तो गाइस यू मुंबा के टारगेट प्लेयर्स में सबसे पहले ऋषभ देवाधिका, बलदेव सिंह एंड रोहित गुलिया, इन 3 प्लेयर्स को यहाँ पे यू मुंबा की टीम PKL सीजन 8 के ऑक्शन में टारगेट करने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं पुनेरी पटन के टीम के बारे में। तो कैसे पुनेरी पटन के टारगेट प्लेयर लिस्ट में है रोहित गुलिया, संदीप कुमार धूल, महेंद्र सिंह, इन 3 प्लेयर्स को यहाँ पे पुनेरी पटन की टीम टारगेट करने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं तेलुगु टाइटंस के बारे में। तो कैसे यहाँ पे तेलुगु टाइटंस की टीम प्रदीप नरवाल, दीपक निवास हुड्डा एंड सुरजीत सिंह, इन 3 प्लेयर्स को यहाँ पे तेलुगु टाइटंस की टीम टारगेट करने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं तमिल थलाइवस के बारे में। तो कैसे यहाँ पे तमिल थलाइवस के टारगेट प्लेयर लिस्ट में है प्रदीप नरवाल, रोहित कुमार, संदीप कुमार धूल, इन 3 प्लेयर्स को यहाँ पे तमिल थलाइवस की टीम टारगेट करने वाली है। अब दोस्तों हम बात करते हैं पटना पायरेट्स के बारे में। तो गाइस यहाँ पे पटना पायरेट्स के टारगेट प्लेयर लिस्ट में है राहुल चौधरी, जोगिंदर नरवाल एंड दीपक निवास हुड्डा, इन 3 प्लेयर्स को यहाँ पे पटना पायरेट्स की टीम टारगेट करने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं गुजरात जायंट्स के बारे में। तो गाइस यहाँ पे गुजरात जायंट्स के टारगेट प्लेयर लिस्ट में है प्रदीप नरवाल, रोहित कुमार एंड सुनील, इन 3 प्लेयर्स को यहाँ पे गुजरात जायंट्स की टीम यहाँ पे टारगेट करने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं जयपुर पिंक पैंथर्स के टारगेट प्लेयर लिस्ट के बारे में। तो गाइस यहाँ पे जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम के टारगेट प्लेयर लिस्ट में है प्रदीप नरवाल, सुरेंद्र नारा एंड चंद्रन रंजीत, इन 3 प्लेयर्स को यहाँ पे जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम टारगेट करने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं हरियाणा स्टीलर्स के बारे में। तो गाइस यहाँ पे हरियाणा स्टीलर्स के टारगेट प्लेयर लिस्ट में है जीवा कुमार, सचिन तनवर एंड संदीप नरवाल, इन 3 प्लेयर्स को यहाँ पे हरियाणा स्टीलर्स की टीम टारगेट करने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं बेंगलुरु बुल्स के बारे में। तो गाइस यहाँ पे बेंगलुरु बुल्स के टारगेट प्लेयर लिस्ट में है दीपक निवास हुड्डा, श्रीकांत जाधव एंड बलदेव सिंह, इन 3 प्लेयर्स को यहाँ पे बेंगलुरु बुल्स की टीम प्रो कबड्डी सीजन 8 के ऑक्शन के लिए टारगेट करने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं बंगाल वॉरियर्स के बारे में। तो गाइस यहाँ पे बंगाल वॉरियर्स के टारगेट प्लेयर लिस्ट में है श्रीकांत जाधव, रविंदर पहल एंड संदीप नरवाल, इन 3 प्लेयर्स को यहाँ पे बंगाल वॉरियर्स की टीम टारगेट करने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं दबंग दिल्ली के बारे में। तो गाइस यहाँ पे दबंग दिल्ली के टारगेट प्लेयर लिस्ट में है मनजीत, नीलेश सालुके, धर्मराज चलरातन, इन 3 प्लेयर्स को यहाँ पे दबंग दिल्ली की टीम टारगेट करने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं यूपी योद्धा के बारे में। तो गाइस यहाँ पे यूपी योद्धा के टारगेट प्लेयर लिस्ट में सबसे पहले सिद्धार्थ देसाई, दूसरे में राहुल चौधरी एंड लास्ट में है दीपक निवास हुड्डा, इन 3 प्लेयर्स को यहाँ पे यूपी योद्धा की टीम यहाँ पे टारगेट करने वाली है। तो गाइस यहाँ पे आपको ऑल 12 टीम्स के टारगेट प्लेयर लिस्ट बता दें, इसमें कई सारे प्लेयर्स कई बार आ रहे हैं बिकॉज यहाँ पे कई सारे प्लेयर्स का बहुत सारे डिमांड है कि सभी टीम्स यहाँ पे खरीदना चाहती है। एग्जाम्पल के थ्रू पे आप राहुल चौधरी ले सकते हैं, दीपक निवास हुड्डा ले सकते हैं, प्रदीप नरवाल ले सकते हैं, ऐसे कई सारे प्लेयर्स है जहाँ पे बहुत सारे टीम्स यहाँ पे उन पर बिडिंग करने वाली है एंड फाइनली अंत तक जाके यहाँ पे FBM कार्ड का यूज करके वो टीम वापस उनको रिटेन कर सकती है। अब जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पे हर टीम्स के पास 2 FBM कार्ड अवेलेबल रहने वाला है। अब इस पर भी बहुत जल्दी वीडियो आ जाएगी, यहाँ पे आखिर कौन सी टीम कौन से प्लेयर पे यहाँ पे FBM कार्ड का इस्तेमाल करने वाली है उस पर वीडियो आपको जल्द देखने को मिल जाएगी। एंड यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपकी फेवरेट टीम कौन से प्लेयर को टारगेट करने वाली है, एक बार आप कमेंट करके जरूर बताएगा। तो गाइस वो कहीं पैन करते हैं, आपको थोड़ी पसंद आए इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। सो गाइस उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी, मिलते हैं कौन इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।